आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष हैं, और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो, मैं साफ देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर, भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में चार प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने हमारी विकास यात्रा में हमारा जो फोकस है उसको हमने रेखांकित किया है।